गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके टीचर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोफेसर निज़ामी आपको कारोबारी मुताला पढ़ाएंगे और ये दसवीं क्लास की बुक है और इसका कोड नंबर है 215 NIOS की। ठीक है, उर्दू मीडियम में हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश में इसे बिजनेस स्टडी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से आपको अपना कोड समझना है और जो आपको समझाया जाए उसको समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पहले चैप्टर का नाम है नौइयत का कारोबार और उसका दायरे अमल। नौइयत का कारोबार, पहले इसको हम समझते हैं कि इस सबक का नाम क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि कारोबार किस किस तरह के होते हैं और उसका दायरे अमल, मतलब वो कहाँ तक होता है, मतलब किस तरह का कारोबार है और वो कितना फैला हुआ होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जब हम अपने आसपास नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मशगूल हैं। सरगर्मी, यहाँ पर एक वर्ड आया है, सरगर्मी का मतलब होता है काम, मशगूल का मतलब है तो बिज़ी। मुदर्रिसीन स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब उस टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं। किसान खेतों में काम करते हैं। कामगार यानी कि मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। दुकानदार अशिया को फ़रोख करते हैं। डॉक्टर मरीज़ों को देखते हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह लोग साल भर दिन और कभी कभार रात में भी मसरूफ़ अमल रहते हैं। मसरूफ़ अमल मतलब काम में लगे रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सभी लोग ख़ुद को इतना मसरूफ़ क्यों रखते हैं, मसरूफ़ मतलब बिज़ी। इसका जवाब यही है कि हम अपनी ज़रूरतों की तस्कीन के लिए ऐसा करते हैं। तस्कीन मतलब पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा करके हम या तो मुख्तलिफ़ फ़राइज़ को पूरा करते हैं या पैसा कमाते हैं जिसके ज़रिए अशिया ख़रीद सकते हैं। अशिया यहाँ पर मतलब चीज़ और ख़िदमत से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इस्तिफ़ादा का मतलब है फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सबक में हम मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद सरगर्मियों के बारे में मुताला करेंगे। मज़ीद मतलब और, सरगर्मी मतलब कामों के बारे में मुताला स्टडी करेंगे, जिनमें हम अपनी सभी ज़रूरतों की तस्कीन के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। हम तफसील के साथ कारोबार का बतौर इंसानी सरगर्मी मुताला करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मकासिद। मकासिद का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले आप इंसानी सरगर्मियों की वजाहत कर सकेंगे। इंसानी सरगर्मी मतलब जो इंसान काम करता है उसकी वजाहत कर सकेंगे, मतलब उसको बता सकेंगे। माशी और गैर माशी सरगर्मियों के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे माशी और गैर माशी क्या होती है। इसलाह कारोबार की तारीफ़ कर सकेंगे, मतलब कारोबार एक वर्ड है उसको बता सकेंगे। कारोबार की मुख्तलिफ खसूसियात दरियाफ़्त कर सकेंगे, मतलब कारोबार की क्या क्या खूबियाँ होती हैं उसको बता सकेंगे। फिर कारोबार के मकासद, मतलब कारोबार इंसान करता है तो उसके क्या मकसद होते हैं उसको बता सकेंगे। कारोबार की समाजी ज़िम्मेदारियों की वजाहत कर सकेंगे, समाजी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कारोबार की, ये सब बता सकेंगे। आलूदगी मतलब पोल्यूशन की अकसाम का मतलब होता है टाइप, मतलब किस किस तरह का पोल्यूशन होता है उसको बता सकेंगे। असबाब उसकी वजह क्या है और असरात की वजाहत कर सकेंगे और पोल्यूशन की वजह से क्या क्या असर पड़ता है उसकी वजाहत कर सकेंगे। माहौलियाती आलूदगी को कम करने में कारोबार के किरदार को भी वाजे कर सकेंगे। हम अपने माहौल की, जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम कारोबार किस तरह से कर सकता है, तो ये सब आप बता सकेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इंसानी सरगर्मी, इसका मतलब वो सरगर्मियाँ जो इंसान के ज़रिए अंजाम दी जाती है, इंसानी सरगर्मियाँ कहलाते हैं। मतलब क्या है, जो भी काम इंसान करता है, जो भी काम इंसान करता है वो इंसानी सरगर्मी है। मतलब जैसे आप अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पंखा सही कर रहे हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, ये इंसानी सरगर्मियाँ हैं। अपने घर वालों का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं, ये सब इंसानी सरगर्मियाँ हैं। अब इंसानी सरगर्मियों को दो ज़ुमरों में बाँट सकते हैं, माशी सरगर्मी और गैर माशी सरगर्मी। माशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ जो पैसे कमाने की गर्ज से अंजाम दी जाती है, उन्हें माशी सरगर्मियाँ कहते हैं। मसलन किसान का
فروخت کے لیے فصل اگانا، فیکٹری یا دفتر کے ملازمین کا کام کرنا اور بدلے میں اجرت یا تنخواہ پانا۔ کسی کاروبار شخص کا اشیاء خدمات کی فروخت، خرید و فروخت سے نفع کمانا وغیرہ کو معاشی سرگرمی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہنا کیا چاہتے ہیں یہ معاشی سرگرمی۔ سیدھا سیدھا آپ سمجھ لیجئے، معاشی سرگرمی وہ ہوتی ہے جسے ہمیں کام کر کے پیسہ ہمیں ملتا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں پیسہ ملتا ہے، وہ معاشی سرگرمی کہلاتا ہے۔ کوئی بھی جیسے آپ کے گھر میں آپ کے فادر ہیں، وہ کام پر کرتے ہیں اور کام کے بدلے میں اسے پیسہ ملتا ہے، معاشی سرگرمی۔ ایک رکشے والا آپ کو رکشے میں بٹھاتا ہے اور دوسری جگہ چھوڑ کر آتا ہے، آپ اسے پیسے دیتے ہیں تو رکشے والے نے آپ سے پیسے لیے، تو وہ معاشی سرگرمی کر رہا ہے، وہ تو اسے معاشی سرگرمی کہا جاتا ہے۔ غیر معاشی سرگرمی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو۔ غیر معاشی سرگرمی وہ سرگرمیاں یا کام جو پیسہ کمانے کے لیے انجام نہیں دیے جاتے بلکہ تسکین حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کیا جاتے ہیں، انہیں غیر معاشی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کام سماجی ذمہ داری نبھانے یا جسم کو صحت مند رکھنے، تفریح وغیرہ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا عبادت گاہ جانا، سیلاب و زلزلے کے متاثرین کو راحت پہنچانا، کھیل کی سرگرمیوں میں حصہ لینا، باغبانی، ریڈیو سننا، ٹیلی ویژن دیکھنا غیر معاشی سرگرمی۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ کوئی سا بھی ایسا کام جس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، مطلب جس کو کرنے کے لیے آپ کو پیسے نہیں چاہیے، آپ ایسے ہی کر دیتے ہیں، اس کو غیر معاشی سرگرمی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ باہر جا رہے ہیں گلی سے اور گلی میں کوئی آپ کو مل گیا کہ بھائی ہمارا سامان ذرا رکھ دو اٹھا کے ہمارے گھر تک، آپ نے اس کا سامان اٹھا کر رکھ دیا، اس کو غیر معاشی سرگرمی کیونکہ آپ نے اس سے پیسے نہیں لیے۔ اسی طرح سے آپ کے گھر والوں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ آٹا چاول لا دو مارکیٹ سے، آپ نے آٹا چاول گھر والوں کے لیے لا دیے، آپ نے گھر والوں سے اپنے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا، یہ غیر معاشی سرگرمی۔ روڈ پر آپ جا رہے ہیں، کسی نے کہا بھائی ذرا سا ہمیں جو ہے روڈ پار کرا دو، تو آپ نے روڈ پار کرانے کے اس سے کوئی پیسے نہیں لیے، تو یہ غیر معاشی سرگرمی کہلائے گا، صحیح ہے؟ جس میں ہمیں پیسہ نہیں ملتا، جس سے ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے، اس کو غیر معاشی سرگرمی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معاشی اور غیر معاشی سرگرمیوں میں فرق، مطلب کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد معاشی سرگرمی اور غیر معاشی سرگرمی میں کیا مقصد ہے۔ معاشی سرگرمی میں جو مقصد ہوتا ہے، منشا ہوتی ہے کمائی کا منشا، مطلب پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اور غیر معاشی سرگرمی کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس میں انسان کسی کی سماجی اور نفسیاتی غرض ہوتا ہے، اس میں کوئی انسان جو ہے کسی سماج کی بھلائی کرنا چاہتا ہے یا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے کہ بھائی مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس میں کمائی نہیں کمانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اور معاشی اور غیر معاشی میں اور ایک کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشی سرگرمی میں انسان دولت اور اثاثہ جات بنانے کی جانب رغبت ہوتا ہے، مطلب وہ دولت کمانا چاہتا ہے، وہ اور اپنے پاس پیسہ لانا چاہتا ہے، جائیداد لانا چاہتا ہے۔ لیکن غیر معاشی سرگرمی میں وہ سکون حاصل کرتا ہے، وہ بس جو ہے ایک طرح سے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی مدد ہو جائے۔ توقع کیا ہوتی ہے، معاشی سرگرمی میں صرف ایک ہی توقع ہوتی ہے کہ پیسہ کمانا ہے ہمیں، اور غیر معاشی سرگرمی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اس میں منافع یا انکم کی توقع نہیں رکھتا، وہ بس مدد کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین بتا رہا ہوں میں آپ کو، تین ہی امپورٹنٹ ہے، تین ہی کر دیں گے آپ تو کافی ہے۔ اب اس کے سوال جواب ہم دیکھتے ہیں، بتائیے درج ذیل بیانات صحیح ہیں غلط۔ صحیح بیان کے سامنے ٹی اور غلط بیان کے سامنے ایف لکھیے، ٹی کا مطلب ٹرو اور غلط ہے تو ایف لکھیے مطلب فالس، صحیح یا غلط کا نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر جب اپنے کلینک میں مریض کا علاج کرتا ہے تو معاشی سرگرمی میں مشغول ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب ایک ڈاکٹر اپنے کلینک میں کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ پیسے بھی کماتا ہے، تو صحیح ہے، یہ معاشی سرگرمی کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے وہ، تو یہاں پر ہم ٹی لکھ دیں گے، ٹرو ہے۔ جب ماں جب اپنے بچے کے لیے کپڑے سیتی ہے تو وہ معاشی سرگرمی میں مشغول ہوتی ہے،
معاشی سرگرمی میں، مطلب پیسہ کمانا چاہتی ہے، اپنے بچے کے لیے کپڑے سیتی ہے تو وہ معاشی سرگرمی کرتی ہے، نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کے کپڑے سیے گی تو اس سے پیسہ نہیں کماتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر معاشی سرگرمی ہے، تو یہاں پر ہم ایف لکھتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا، درزی اپنے گاہکوں کے لیے اگر کپڑا سی رہا ہے تو معاشی سرگرمی ہے، درزی کپڑے سی رہا ہے گراہکوں کے، تو گراہکوں کے جب وہ کپڑے سیے گا تو بدلے میں اسے پیسہ ملے گا، تو یہ معاشی سرگرمی ہے، تو یہاں پر آپ ٹی لکھ دیں گے۔ مندر کے باہر بیٹھے ہوئے بھکاریوں کو کھانا تقسیم کرنا ہے غیر معاشی سرگرمی ہے، مندر کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، اگر آپ انہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو کیا آپ ان سے پیسے لیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو آپ اپنے تسکین کے لیے، سکون کے لیے، اس کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا نہیں ہے، تو یہ غیر معاشی سرگرمی ہے، ٹھیک ہے، غیر معاشی سرگرمی ہے، ٹرو۔ ملک کے لیے سچن تندولکر کا کرکٹ کھیلنا ہے غیر معاشی سرگرمی ہے، یہ دیکھیے، اب آپ سچن کرکٹ کھیل رہا ہے، ملک کے لیے کھیل رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں کھیل رہا، وہ تو جو انہیں پیسہ ملتا ہے وہ ایک انعام ہوتا ہے، وہ اپنے پاس سے ان کو انعام دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیجئے تو ہم کرکٹ کھیلیں گے، وہ تو ایک انعام ہے اور وہ سبھی دیتے ہیں انعام، ملک کے لیے کھیل رہا ہے سب سے پہلے وہ، تو وہ پیسے کے لیے نہیں کھیل رہا، یہ آپ یہاں تھوڑا سا فرق سمجھیں، یہ غیر معاشی سرگرمی ہے، وہ پیسے کے لیے نہیں کھیل رہا ہے، اگر آپ انہیں پیسے بھی نہیں دیں گے وہ تب بھی کھیلیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹرو ہے، غیر معاشی سرگرمی میں ہی آئے گا یہ، تو آپ دھیان رکھیں، تو انہیں جو پیسہ ملتا ہے وہاں پر وہ ایک انعام کے طور پر انہیں ملتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں دو، بلکہ وہ میچ والے انہیں خود سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس میں بتائیے درجیل سرگرمی میں کون سی معاشی سرگرمیاں ہیں اور کون سی غیر معاشی، مطلب کون سی میں ہم پیسہ کماتے ہیں اور کون سی میں پیسہ نہیں کماتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا، اس میں پیسہ تو نہیں کمائیں گے، یہ غیر معاشی ہے۔ اسکول میں پڑھنا، یہ بھی غیر معاشی ہے۔ کسی بیمار رشتہ دار سے ملنے جانا، یہ بھی غیر معاشی ہے۔ ریڈیو سننا، یہ بھی غیر معاشی ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنا، یہ بھی غیر معاشی ہے۔ مقامی بازار میں پھل اور سبزیاں فروخت کرنا، کسی بازار میں آپ جا کر پھل اور سبزیاں فروخت کر رہے ہیں تو یہ معاشی ہے، کیونکہ بیچ کر آپ کو پیسے ملیں گے۔ دفتر میں کام کرنا، دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں، کام کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے، تو یہ بھی معاشی ہے۔ اب ہم معاشی سرگرمیوں کی اقسام، مطلب معاشی سرگرمیاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم معاشی سرگرمیوں کو یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، معاشی سرگرمیوں کو ہم تین زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے کاروبار، کاروبار سے آپ کو پتہ ہی ہے کاروبار کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا کاروبار کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، جیسے کسی کے فادر کا کام ہو سکتا ہے برتن کا، وہ برتن بیچتے ہیں، کوئی سبزی بیچتا ہے، وہ سبزی کا کاروبار ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کا جو ہے وہ مشینوں کی دکان ہو سکتی ہے تو مشینوں کا کاروبار ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کاروبار معاشی سرگرمی کی ایک قسم ہے کاروبار۔ پیشہ، معاشی سرگرمی کی ایک دوسری قسم ہے پیشہ۔ پیشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیشہ ہوتا کیا ہے۔ پیشے میں ایک انسان جو ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے، ٹریننگ لینے کے بعد وہ اس کام کو کرتا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ہر کوئی انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا ایسے، پہلے وہ اس کی ٹریننگ لے گا، ٹریننگ لینے کے بعد اس کے بعد اس کی ڈگری آتی ہے، پھر وہ اس پیشے کو کرتا ہے، اس کو پیشہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک وکیل ہوتا ہے، کوئی بھی انسان وکیل نہیں بن سکتا ایسے ہی، پہلے وہ اس کی پڑھائی کرتا ہے وکالت، پھر اس کے بعد وہ اس کا کام کرتا ہے، تو اس کو پیشہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی، یہ بھی معاشی سرگرمی ہے، اس میں بھی انسان پیسے کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی معاشی سرگرمی کی ایک قسم ہے پیشہ۔ اس کے بعد آتا ہے روزگار۔ روزگار کا مطلب میں آپ کو بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی کے پاس جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے وہاں پر، اس کے بدلے میں اسے تنخواہ ملتی ہے، اسے کہا جاتا ہے روزگار۔ جیسے کوئی انسان کسی شوز والے کی، جوتے کی دکان پر کام کر رہا ہے،
वो पूरे महीने जाता है वहाँ पर और महीने में उसे तनख्वाह मिलती है, उजरत मिलती है, तो इसको कहा जाता है रोज़गार। तो मैंने भी आपको बताया कि एक माशी सरगर्मियों की तीन किस्में हैं, एक है कारोबार, दूसरा है रोज़गार पेशा और तीसरा है रोज़गार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कारोबार पेशा और रोज़गार में फ़र्क क्या है। तो पहला फ़र्क मैं बता दूं, कारोबार में पैसा या ज़र के लिए ग्राहकों को अशिया और ख़िदमात की सप्लाई की जाती है। कारोबार में आप पैसे या ज़र के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्राहकों को कोई चीज़ देंगे या ख़िदमत देंगे, सर्विस देंगे। जैसे आप जो है सर्विस में, जैसे मोबाइल कंपनी है तो आप उनको पैसे देते हैं तो वो आपको रिचार्ज देते हैं, तो ये सर्विस कहलाती है। या कोई चीज़ देंगे, आपने मोबाइल लेना है, आपने पैसे दिए मोबाइल वाले को और मोबाइल वाले ने आपको मोबाइल दे दिया। और पेशा जो है काम करने की मर्ज़ी पर मौकूफ़ फ़ीस के लिए मुख्तस ज़ाती ख़िदमत। ठीक है जी, तो प्रोफेशन में क्या होता है, कोई इंसान ख़िदमत देता है और उसके बदले में वो उससे फ़ीस लेता है। मैं आपको अपने वर्ड्स में समझा रहा हूँ। रोज़गार में क्या है, आजिर के अहकामात के मुताबिक, मतलब मालिक जैसा हुक्म देता है वैसे ही काम अंजाम देना होता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, जो भी आपका मालिक कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर अहलियत, मतलब इस कारोबार के लिए क्या क्या अहलियत चाहिए। कोई अहलियत दरकार नहीं, जिसके पास पैसा हो वो कारोबार कर ले। लेकिन पेशे में आपको तालीम और तरबियत ज़रूरी है, अहलियत ज़रूरी है इसमें। और रोज़गार में बहुत से रोज़गार ऐसे हैं जिसमें अहलियत भी मांगते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिसमें अहलियत मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे किसी बर्तन वाले की दुकान पर सेल्समैन चाहिए तो आपको ऐसे ही रख लेगा। लेकिन किसी ऑफिस में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है पूंजी। कारोबार में आपको पूंजी की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, जितना बड़ा आपका कारोबार होगा, साइज़ होगा कारोबार का, उतने ही हिसाब से आपको पैसे की ज़रूरत होती है। जब हम पेशे की बात करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस पैसे से पहले आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तरबियत की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप कम पैसों में भी इसको चालू कर सकते हैं। और रोज़गार में इसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद तहरीक, मतलब कारोबार का जो इंसान करता है वो मुनाफा कमाने के लिए करता है, इसका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना होता है। ठीक है, और जो पेशा होता है उसमें जो भी आप सर्विसेज देते हैं उसके बदले में आपकी मुकर्ररा पेशावराना फ़ीस होती है, मतलब जो भी आपकी फ़ीस है, खिदमत देते हैं आप और उसमें आपको मुकर्रर आपकी फ़ीस होती है वो मिलती है। और जो आपका रोज़गार है उसमें आपकी सैलरी फ़िक्स होती है, उसमें आपको वो सैलरी दी जाती है, उजरत मतलब सैलरी या तनख्वाह को कहते हैं। जोखिम, कारोबार में जोखिम बना रहता है और मुनाफा भी तय नहीं होता, कारोबार में कभी भी लॉस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा पेशा है उसमें भी जो है वो इनकम तय नहीं होती, फिक्स नहीं होती, बस जितने आ गए आपके पास आ गए ग्राहक, जो भी आप जिनको आप सर्विस देते हैं, इसमें नुकसान की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगा हुआ होता, बस जो आपकी जगह है, बहुत कम इसमें नुकसान के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको पैसा लगाना होता है, चीज़ें ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कम, जैसे डॉक्टर है कोई, उसने अपनी क्लिनिक खोल ली, थोड़े बहुत पैसे से और चालू कर लिया, फिर वो ग्राहकों से पैसे आते रहते हैं कमाता है। और तीसरे वाले में तो बिल्कुल ही जोखिम नहीं है, जो आपको काम पे रखेगा वो तनख्वाह देगा और उस तनख्वाह आप तनख्वाह लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, चाहे उसका नुकसान हो या फ़ायदा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। ज़ाब्ता अखलाक, इसमें कोई मखसूस ज़ाब्ता अखलाक नहीं है, इसमें जो आपने देखा होगा कारोबारी सही से भी बोल लेते हैं, हाँ भैया भैया करके, हाँ भैया क्या बात है बताओ, इस तरह से भी बात कर लेते हैं।
और पेशे, पेशे में क्या होता है, इसमें आपने डॉक्टर का ज़ाबता अखलाक देखा, डॉक्टर किस तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, जिस तरह जो वकील होते हैं वो भी, तो इसमें ज़ाबता अखलाक जो है वो इम्पोर्टेंट है। और रोज़गार में जो तय हुआ है शराइत व जवाबित, मतलब जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, जो उसूल उन्होंने बनाए हैं, आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा। तो ये तो हमारे कारोबार पेशा और रोज़गार में जो फ़र्क था वो आपको बताया गया है। और कारोबार पेशा और रोज़गार क्या है, ये माशी सरगर्मियों की अकसाम थी। अब हम खाली जगहों को पुर करेंगे, मतलब खाली जगहों को भरेंगे, ये भी सवाल आ सकते हैं। वो माशी सरगर्मी जिसमें कोई बाकायदगी के साथ मशगूल रहता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब आप किसी भी सरगर्मी में मशगूल हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, तो उसे ज़रिया माश कहा जाता है, मतलब पैसा कमाने का ज़रिया। एक पेशावर मतलब प्रोफेशनल को किसी मखसूस मैदान में ख़ास मालूमात और तरबियत की ज़रूरत होती है। जब उसको ख़ास मालूमात होगी, तरबियत की भी और ख़ास मालूमात होती है उसे, तो उसे रोज़गार पेशा कहा जाता है। ज़रिए माश जिसमें दूसरों के लिए काम करते हैं और मुकर्रर आमदनी कमाते हैं उन्हें रोज़गार कहा जाता है, मतलब जॉब कहा जाता है, जिसमें आप फिक्स सैलरी पर काम करते हैं। तमाम पेशावरों के लिए एक प्रोफेशनल इदारा हर पेशे के वास्ते डिसिप्लिन जाबता अमल तैयार करता है, मतलब डिसिप्लिन तैयार होते हैं कि किस टाइम आप जाएंगे, किस टाइम आएंगे, क्या क्या काम करना है, कैसे रहना है। रोज़गार के शराइत और जवाबित का फ़ैसला, मतलब जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे क्या शर्त होंगी, क्या उसूल होंगे, ये कौन करता है, ये मालिक करता है। अब कॉलम ए में दिए गए फ़ुकरों का मिलान कॉलम बी में दिए गए फ़ुकरों से कीजिए, मतलब ए कॉलम में कुछ बातें दी हुई हैं उनको बी कॉलम से बताना है कि क्या है। कारोबार का बुनियादी मकसद, जो भी इंसान कारोबार करता है उसका बुनियादी मकसद क्या होता है, कोई भी इंसान कारोबार करता है तो उसका सबसे पहला बुनियादी मकसद जो होता है वो मुनाफा कमाना होता है। तो आप जब पेपर में लिखेंगे तो इसके सामने ये वाली लाइन लिख देंगे, मुनाफा कमाना, जब आप पेपर में आंसर लिखेंगे तब। यहाँ मैंने आपको लिख के दिखा दिया पहले बी, इसका मतलब ये है कि पहले का आंसर बी है। तो आप जब पेपर में लिखेंगे तो वहाँ पर आप जो है वो बी लिख देंगे, ऐसे इसके सामने, पहले वाले पॉइंट के सामने बी लिख देंगे। पेशे का बुनियादी मकसद, पेशा मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर का पेशा, वकील का पेशा, उनका बुनियादी मकसद जो होता है वो खिदमात देना होता है। सबसे पहले सर्विस होती है, फिर बाद में उनका मकसद होता है पैसे कमाना। डी, ठीक है, खिदमात फराहम करना। पेशे की लाजमी ज़रूरियात, जो भी इंसान कोई पेशा करता है तो उसकी लाजमी ज़रूरत क्या है, मतलब उसके लिए ख़ास चीज़ क्या होती है, उसकी ख़ास चीज़ है मखसूस महारत का होना। जैसे वकील है, जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, तरबियत नहीं होगी, कोई भी इंसान वकील नहीं बन सकता, तो मखसूस महारत। तो तीसरे का ए है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मशगला या ज़रिए माश, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मशगला है या ज़रिए माश है, तो ये पेशा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है पेशा है, इसमें इंसान को मखसूस महारत की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तब उसको पेशा मिलता है, मशगला नहीं है ये, कारोबार नहीं है ये, ठीक है, हर कोई इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। तो चौथे वाले का आंसर सी है। कारोबार की तारीफ़, आपने देखा होगा कि बाज़ार में कई तरह की अशिया दस्तियाब होती हैं, अशिया मतलब चीज़, दस्तियाब होना मतलब मिलना। आप इन चीज़ों को हसब ज़रूरत ख़रीदते हैं, मतलब जैसी आपकी ज़रूरत होती है उनको ख़रीदते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस तरह ये अशिया बाज़ार में आती हैं, कौन इन चीज़ों को बनाता है और कौन इसे बाज़ार में लाता है? तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आपको भी मालूम होगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को कौन बनाता है। भाई इन चीज़ों को बनाने वाले ही बनाते हैं, जैसे जो जूते बनाते हैं जिनकी फैक्ट्री होती है वो अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद वो उनको आगे बेचते हैं। किनको बेचते हैं? होलसेलर्स को, मतलब जो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेचते हैं उनको बेचते हैं, और वो लोग इन्हें बाज़ार में लाते हैं।
ठीक है, बाज़ार में इनको बेचते हैं होलसेलर, होलसेलर से जो बड़े होलसेलर्स होते हैं उनसे छोटे होलसेलर्स लेके जाते हैं, ठीक है, वो फिर दुकानों पर अपनी बेचते हैं। दरअसल सभी अशिया मखसूस मकामात पर तैयार की जाती है, ख़ास प्लेस पर। वो ख़ास प्लेस क्या है? वो फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में तैयार होती है और तैयार किए जाने के बाद क्या करते हैं, उन्हें तकसीम करते हैं, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, ठीक है बच्चों। और जब ये हम इन अशिया को तभी ख़रीद पाते हैं, ठीक है, जब ये मार्केट में आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तब हम इन चीज़ों को जब ही ख़रीद पाते हैं। और आपने ये भी मुशाहिदा किया होगा, मतलब देखा होगा कि कुछ लोग अशिया के नकलो हमल, मुसाफिरों को लाने ले जाने, बैंककारी, बीमा, इश्तिहार, बिजली की सप्लाई, टेलीफोन वगैरह जैसी सरगर्मियों में मशगूल होते हैं। ये तमाम खिदमाती सरगर्मियाँ होती हैं, लोगों के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए अंजाम दी जाती है। तो आपको मैं बता रहा था कि कारोबार की खसूसियत क्या है। कारोबार की खसूसियत क्या है? कारोबार की खसूसियत ये है, कारोबार की तारीफ, कारोबार की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसको ज़रा समझेंगे। ये वहाँ यहाँ पर लिखा है, कारोबार की तारीफ इस तरह की जा सकती है कि वो ऐसी सरगर्मी है जिसमें मुनाफा कमाने की गर्ज से फ़रोग, मतलब प्रॉफिट कमाने की गर्ज से हम फ़रोग करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, मुंतकली मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कारोबार की तारीफ। कारोबार की खसूसियत के बारे में बात करेंगे, कारोबार की क्या खसूसियत होती है। अशिया और ख़दमात का सौदा, पहला पॉइंट है अशिया और ख़दमात का सौदा। इसका मतलब ये, कारोबार में या तो किसी चीज़ का सौदा किया जाता है, कोई चीज़ खरीदी बेची जाती है, या कोई खिदमत सर्विस दी जाती है और उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं। जैसे अशिया बेची जाती है, कोई भी चीज़ बेची जाती है, आपने फ्रिज लिया बाज़ार से और पैसे दिए, या खिदमत मतलब सर्विस, आपने मोबाइल वाले को रिचार्ज के लिए पैसे दिए और उसने आपको रिचार्ज दे दिया आपके मोबाइल में, कोई चीज़ नहीं दी बल्कि रिचार्ज, ये खिदमत है, ठीक है। दूसरा है इसमें अशिया और ख़दमात की फ़रोख्त या मुबादला, ठीक है, ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता ही पॉइंट है कि कारोबार की एक खसूसियत ये है कि इसमें अशिया और ख़दमात की फ़रोख्त होती है, अशिया ख़दमात बेची जाती है, ठीक है। फिर मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, सरमायाकारी की ज़रूरत। कारोबार की खसूसियत है कि कारोबार आप जब ही कर पाएंगे जब उसमें आप सरमायाकारी मतलब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कारोबार की खसूसियत ये है कि कारोबार आपको करने के लिए उसमें आपको सरमायाकारी की ज़रूरत है, उसमें पैसा लगाना आपको पड़ेगा जब ही आप कारोबार कर सकते हैं, मुनाफा कमाने का मकसद। कारोबार की खसूसियत ये है कि इसका मकसद कारोबार का जो होता है, इंसान मुनाफा कमाना चाहता है, कोई भी इंसान कारोबार करेगा तो उसका मकसद होगा सिर्फ मुनाफा कमाना, तो ये भी कारोबार की खसूसियत है। आपके घर में भी आपके जो पापा मम्मी कारोबार करते हैं, भाई कारोबार करते हैं, जो भी कोई कारोबार करता है उनका मकसद मुनाफा कमाना होता है जब भी कोई भी इंसान कारोबार करता है, ठीक है। फिर एक और खसूसियत है, जोखिम और गैर यकीनी आमदनी का होना। कारोबार की खसूसियत है कि कारोबार में कभी भी नुकसान हो सकता है और आमदनी भी गैर यकीनी है, मतलब इसका ये है कि आमदनी भी फिक्स नहीं है कि कितनी होगी, कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है, ठीक है। जोखिम का मतलब है नुकसान कभी भी हो सकता है, जैसे कि आपने माल लेकर आए और आपने अपने गोडाउन में रखा और आग लग गई तो नुकसान हो गया, या आप माल लेकर आए थे 100 रुपये के हिसाब से, मार्केट में जब आप लाए तो उसकी रेट गिर गए 50 रुपये हो गए तो आपको नुकसान हो गया। और गैर यकीनी आमदनी, आमदनी आपकी फिक्स नहीं है कि कितनी होगी, आज कितनी होगी और कल कितनी होगी, ठीक है। तो ये भी कारोबार की खसूसियत है। कारोबार के मकासिद, तो कारोबार के बहुत से मकासिद हैं, माशी मकासिद, समाजी मकासिद, इंसानी मकासिद, कौमी मकासिद और आलमी मकासिद। तो कारोबार के मकासिद क्या हैं, इनको हम समझेंगे तफसील से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कारोबार के माशी मकासिद समझेंगे क्या हैं। कारोबार के माशी मकासिद, सबसे पहले है मुनाफा कमाना। देखिए कारोबार का सबसे पहला जो मकसद होता है
वो मुनाफा कमाना होता है। कोई भी इंसान कारोबार करेगा उसका एक मकसद होगा मुनाफा कमाना। तो कारोबार का एक मकसद है माशी मुनाफा कमाना। ग्राहक बनाना, कारोबार का जो दूसरा मकसद है ग्राहक बनाना होता है। कोई भी इंसान कारोबार करता है तो उसका एक मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाए, क्योंकि जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनेंगे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। आप देख लीजिए हर कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाना चाहती है। आपके घर में भी आपके फादर जो काम करते हैं या आपके भाई या आपका कोई भी आपने किसी को देखा होगा वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाना चाहता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, एडवर्टीज़मेंट करता है, कार्ड बनवाता है, वेबसाइट बनाता है। तो कारोबार का जो माशी मकसद है वो ग्राहक बनाना है। उसके बाद है एक पॉइंट, मुस्तकिल इख्तराआत, मतलब पाबंदी के साथ नई नई बातें पैदा करना। इसका मकसद ये है कि कारोबार में आप अप टू डेट रहेंगे, नई नई उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहेंगे, कुछ नई चीज़ें लाएंगे, जब भी आप जो है कारोबार में सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप पुराने उससे ही चलते रहेंगे तो आप उसमें अपने सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका कोई सा भी कारोबार होगा तो उसमें आप नई टेक्नोलॉजी लाते रहेंगे। जैसे पहले कूलर चलते थे ठंडक के लिए, फिर और टेक्नोलॉजी आई तो फिर एसी आ गए, फिर और टेक्नोलॉजी आई अब जो है इन्वर्टर एसी आ गए जो कम बिजली लेते हैं। ठीक है जी, तो नई नई चीज़ें आपको उसमें करते रहना पड़ेगा। जैसे मोबाइल कंपनियां थी, पहले ब्लैक एंड वाइट मोबाइल थे, फिर कलरफुल आए, फिर उसमें नेट आया, फिर कैमरा आया, फिर वीडियो कॉलिंग आई, अब 5G बहुत फास्ट नेटवर्क आ गया। ठीक है, तो ये नई नई चीज़ें कारोबार में पैदा करना जो है एक कारोबार का मकसद है। जब भी आपके ग्राहक बनेंगे, जब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर है वसाइल का माकूल इस्तेमाल, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं कारोबार चलाने के लिए आप उसका सही इस्तेमाल करें, जब भी आपको फ़ायदा होगा। आपके पास मशीनें हैं तो आप उन मशीन का सही यूज़ करिए ताकि आपकी मशीन ख़राब ना हो। ठीक है, आपके पास पैसा है तो उस पैसे का सही यूज़ करें। आपके पास जो सामान माल रखा हुआ है उस माल का ध्यान रखें, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं कारोबार चलाने के लिए उनका आप सही यूज़ करें। तो ये कारोबार के माशी मकासिद थे। इसके बाद हम कारोबार के समाजी मकासिद भी पढ़ेंगे। समाजी मकासिद कारोबार के मतलब कारोबार आप कर तो रहे हैं माशी मकासिद पैसा कमा, लेकिन आपको समाज का भी ध्यान रखना है, समाज के लोगों की भलाई के लिए भी कारोबार करना है। तो इसमें पहला मियारी अशिया और ख़दमात की पैदावार और सप्लाई, मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें देनी है आपको समाज को, ऐसा जो उनके यूज़ में आए, सही क्वालिटी हो, वो चले। ऐसा नहीं हो कि आपने चीज़ दी उन्हें और वो दो दिन में ही ख़राब हो गई या घटिया चीज़ दे दी, ऐसा नहीं करना आपको। तो आपको मियारी अशिया बेचनी है कारोबार में, मतलब क्वालिटी वाली चीज़ देनी है, क्वालिटी वाली सर्विस देनी है। ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ उन्होंने पैसा भी खर्च करा और वो बेकार चीज़ आपने उनको फरोख्त कर दी, नहीं, बल्कि समाज के लोगों की भलाई का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है मुनसिफाना तिजारती अमल इख्तियार करना। मुनसिफाना मतलब ईमानदारी के साथ कारोबार करना। ऐसा नहीं है कि आप जो है गलत तरीके से कारोबार कर रहे हैं, आप गलत ऐड दे रहे हैं, धोखे वाले ऐड दे रहे हैं, जैसे बहुत से लोग दे देते हैं फ्री फ्री फ्री, और फिर जब वहाँ जाते हैं फ्री के नाम पर कुछ नहीं होता, कहते हैं ये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है जी 200 रुपये, या रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है आपको 800 रुपये, और या बहुत से लोग जो है ज़मीन बेचते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि 1000 रुपये गज ज़मीन, जब लेने जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही निकलता है, या कालाबाजारी करते हैं। ठीक है जी, तो चीज़ों को जो है रख देते हैं, बाद में जब उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो महंगी बेचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। तो आपको मुनसिफाना तिजारती अमल इख्तियार करना है, ईमानदारी के साथ चीज़ें बेचनी है, तो दिखाया कुछ और दिया कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की आम फलाह व बहबूद के तय इश्तराक, मतलब आप कारोबार में जो पैसा कमा रहे हैं माशी मकासद के साथ साथ आपको समाजी मकासद में भी समाज के लोगों की भलाई की तरफ ध्यान देना। कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो खोल दीजिए आप, ताकि वहाँ लोगों को कुछ
जो हुनर आ जाए वहाँ पर, कुछ तिब्बी सहूलतों के लिए, मतलब कुछ उन डिस्पेंसरी वगैरह खोल दी जाए, कोई पार्क वगैरह खेल के मदद, जिससे समाज के लोगों की भलाई हो सके। ठीक है, तो ये समाजी मकासद जो कारोबार के इंसानी मकासद, मतलब कारोबार इंसान के लिए क्या क्या कर सकता है। मुलाजमीन की माशी बहबूद, इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि आप उनको जो उनकी सैलरी है वो टाइम पर दें, उनको बुनियादी सहूलत, रिहाइश की सहूलत, पेंशन वगैरह जो है वो उनको दी जानी चाहिए। फिर है मुलाजमीन की माशी, मुलाजमीन की समाजी और नफसियाती तस्कीन। इसका मतलब ये है कि नफसियाती तस्कीन का मतलब ये है कि आप मुलाजमीन को ऐसा काम दें जो वो सही तरह से कर सके, उतना काम दें जितना वो उसको सही तरह से कर सके। ये नहीं कि आपने उनको जितना काम दे दिया वो उनसे आपने उसी दिन मांग लिया, इससे उनकी जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो बिगड़ जाएगी और वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको उतना ही काम दे जितना वो कर सके। इंसानी वसाइल का फ़रोग, इसमें यह है कि इंसानी वसाइल का फ़रोग करें, मतलब उनको आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए मुनासिब तरबियत की ज़रूरत होती है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप कोई नई चीज़ लाए हैं या कारोबार में आप काम करवा रहे हैं मुलाजमीन से, तो उनको आपको वक्त वक्त पर उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी महारतों में इजाफा हो सके। ठीक है, और वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके, वक्त वक्त पर उनको तरबियत दी जाए। उसके बाद है समाजी और माशी तौर पर पसमानदा लोगों की फलाह बहबूद। इंसानी मकसद ये है, जैसे कि समाजी मकसद में आपको बताया था, इंसानी मकसद ये है कि समाज में जो बेचारे गरीब हैं, जो माजूर हैं, उनको आपको उनकी भलाई के लिए भी काम करने चाहिए। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग खोलनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पर जो है तरबियत ले सकें, और मुस्तहक तलबा को वजीफे दिए जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, जिससे कि वो आगे चलकर अपनी पढ़ाई कर सकें। फिर कारोबार के कौमी मकासद, मतलब हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो कारोबार जो इंसान कर रहा है वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए भी कुछ करेगा, तो उसके क्या मकासद। सबसे पहले रोज़गार की तख्लीक, मतलब आप कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार से ज़्यादा रोज़गार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लोगों को रोज़गार मिल सके आपके कारोबार से। ठीक है, मतलब जॉब मिल सके, आप जो कारोबार कर रहे हैं उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। तो उसके बाद समाजी इंसाफ को फ़रोग, मतलब समाज में इंसाफ को फ़रोग मिले, इंसाफ आपके कारोबार से कैसे हो, मतलब जो भी आपके यहाँ मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन्हें तरक्की के मौके बराबर दें, यानी कि जो आपके यहाँ काम कर रहा है वो भी तरक्की कर सके, यानी कि वो एक लेबर ही बनकर रह जाए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अच्छी सैलरी दें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी या खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके, और सभी जितने भी आपके यहाँ लेबर काम कर रहे हैं उन सबको। तो ये कौम, जब वो अच्छा होगा तो हमारा मुल्क अच्छा होगा। तो ये कारोबार का कौमी मकसद है। उसके बाद है कौमी तरजीह के मुताबिक पैदावार, मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है जिस आपके मुल्क को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है आप उस चीज़ की पैदावार करें। ठीक है, उस चीज़ की पैदावार करें कौमी तरजीह के मुताबिक पैदावार, जिस चीज़ की आपके मुल्क को ज़रूरत है वो चीज़ आपके मुल्क में ही पैदा हो। मुल्क की आमदनी में आनत, इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क की इनकम भी बढ़ाएं। ये कैसे बढ़ा सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ आप टैक्स दें। ठीक है, जो आपके टैक्स जमा होने हैं वो ईमानदारी के साथ आप जमा कर दें। उसके बाद है खुद किफालत और फ़रोग बरामदात। खुद किफालत मतलब आप अपने मुल्क में चीज़ें खुद बनाएं, बाहर से इंपोर्ट ना करें बल्कि एक्सपोर्ट करें। आप इतना अच्छा कारोबार करें कि आपके मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट हो बाहर, इस पॉइंट का मतलब ये है। इससे क्या होगा, आपके कारोबार के कौमी मकासद हल होगा, और जब हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैदा होंगी बनेंगी तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और हमारे मुल्क की इनकम भी बढ़ेगी। आलमी मकासद, आलमी का मतलब ये इंटरनेशनल मकासद क्या है भाई कारोबार के, क्या पूरी दुनिया के लिए कारोबार के क्या मकासद है। सबसे पहला आम मियार ज़िंदगी को बढ़ाना। आम मियार ज़िंदगी को बढ़ाने का मतलब ये है
आप जो कारोबार करें उससे, उस कारोबार से पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी का मियार ऊंचा हो, वो आपकी चीज़ जहाँ भी जाए दुनिया में वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और लोगों की क्वालिटी, जो लाइफ की क्वालिटी है, वो अच्छी हो। और इसके बाद है मुल्कों के दरमियान ना बराबरी में कमी। जो मुल्क के आपके कारोबार से जो दुनिया में ना बराबरी है, मतलब बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर वो सहूलत ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं मिलती, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, तो आप जो है वो ऐसी अच्छी चीज़ बनाए जिससे दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी वो चीज़ मिले और ना बराबरी में कमी आए, उनको भी वो चीज़ मिल जाए सही तौर पर। बहुत से दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उतनी अच्छी क्वालिटी, तो आप वो सभी जगह वो भेजें। और आलमी तौर पर मसाबकती अशिया और खदमात फराहम करना, मतलब आप जो भी चीज़ बनाएं वो इंटरनेशनली तौर पर, इंटरनेशनल पर लेवल पर ज़बरदस्त हो, और दूसरे जो लोग बना रहे हैं उनसे आपकी चीज़ मुकाबला करें। इतनी अच्छी चीज़ बनाएं आप, इससे हमारे मुल्क की इमेज है वो भी अच्छी होगी, और हमारे मुल्क की चीज़ लोग खरीदेंगे तो हमारे मुल्क की इनकम में इजाफा होगा। तो कारोबार के आलमी मकासद थे, कारोबार के आलमी मकासद तो मैंने आपको बताया, कारोबार के माशी मकासद, कारोबार के समाजी मकासद, कारोबार के इंसानी मकासद, कारोबार के कौमी मकासद, और कारोबार के आलमी मकासद, ये इम्पोर्टेंट है, आता है ये। तो आप सभी इन सवालों को ध्यान से समझें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें, आपको हम इतनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं माहौलियाती आलूदगी और कारोबार का किरदार। माहौलियाती आलूदगी का मतलब ये है कि जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ कितना पोल्यूशन हमारे कारोबार से हो रहा है। अब लोग कारोबार करते हैं तो उससे पोल्यूशन भी होता है। कौन कौन सा पोल्यूशन होता है? हवाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन, जो हवा में, आबी आलूदगी मतलब पानी में क्या पोल्यूशन हो रहा है, ज़मीनी आलूदगी, ज़मीन पर पोल्यूशन। जो भी इंसान कारोबार करता है उसके कारोबार से पोल्यूशन भी होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हवाई आलूदगी क्या है। हवाई आलूदगी, हवाई आलूदगी का मतलब हवा में हवा का गंदा हो जाना। हवा कैसे गंदी होती है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, उससे हवा गंदी होती है। आजकल आप देख रहे हैं केमिकल की फैक्ट्रियाँ और तरह तरह के जो फैक्ट्रीज लगी हुई है वहाँ पर सामान तैयार हो रहा है, उनसे धुआं निकल रहा है और वह धुआं हवा में जा रहा है, तो उससे हवाई आलूदगी हो रही है, ठीक है। अब इसके वजूहात क्या है, कौन क्या क्या वजह है इसकी हवाई आलूदगी के? पहला है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और केमिकल, और प्लांटों से निकलने वाला तेल, रिफाइनरी, ठीक है, इनसे निकलने वाला धुआं। और फिर हम सर्दियों में आप देखते हैं कि कितना हम कूड़ा जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे भी आलूदगी होती है। अब हवाई आलूदगी के क्या क्या असरात होते हैं, हवाई आलूदगी के असरात क्या क्या हैं? अब जाहिर सी बात है, जब हवाई आलूदगी होगी तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी, उसके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, आँखें ख़राब हो जाएंगी, आँखों में जलन होगा, जलन होगी, और खांसी होगी, और आँखों की रोशनी ख़राब हो जाएगी, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। सांस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान के गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, आँखें उसकी ख़राब हो जाएंगी, तो ये हवाई आलूदगी का असर है। अब हवाई आलूदगी को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो हवाई आलूदगी को कम करने कैसे कर सकते हैं? फैक्ट्रिया इलाकों से बाहर हो, फैक्ट्रिया इलाकों से बाहर होंगी तो वो इंसानों पर उसका इतना असर नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि फैक्ट्रिया हमेशा जो है जहाँ लोग पब्लिक रहती है उन इलाकों से दूर ही होती है। जब ये दूर होगी, प्लांट दूर होंगे, फैक्ट्रीज दूर होंगी, तो हवाई आलूदगी का असर इंसानों पर कम होगा। उसके बाद है आबी आलूदगी। आबी का मतलब है वाटर पोल्यूशन, पानी का ख़राब हो जाना, पानी का ख़राब हो जाना। आप फैक्ट्रीज से जितना भी केमिकल्स निकलता है वो पानी के थ्रू बहकर जमुना में चला जाता है, उससे हमारा पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब आबी आलूदगी के, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या वजूहात हैं? जो इंसान की जितनी भी गंदगी है, घर का जितना भी गंद है, वो सब नालियों के ज़रिए गटरों, बड़े नालों, फिर नहरों में चला जाता है।
और हम सब अपनी नालियों को बहुत गंदा रखते हैं, कूड़े कचरे को हम सब वहाँ बहा देते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ का फैक्ट्रियों की गंदगी है वो सब उनके नाले सब फैक्ट्रियों में मिल रहे हैं। काश्तकार मतलब किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं वो सब जो है वो सब पानी में जा रहा है, उससे पानी जो है वो हमारा ख़राब हो रहा है। और वो ख़राब हो रहा है तो बिल्कुल सब चीज़ें ख़राब हो रही है। अब आबी आलूदगी के क्या क्या असरात हैं, अब आबी आलूदगी के क्या क्या असरात हैं हम इनको समझेंगे कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या असर हम पर पड़ रहे हैं। भाई जब हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब ख़राब हो जाएगा, जैसे हमारी आँतों में आँतों ख़राब हो जाएंगी, टाइफाइड पी लिया मैदा ख़राब हो जाएगा, और जो पानी में रहने वाले जानवर है वो सब मर जाएंगे, उनमें बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है जी। और जो है जानवर जो है उन पानी को पिएंगे वो बीमार होंगे, वो बीमारियों का शिकार होंगे, और बहुत से लोग मीट खाते हैं, मीट को खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। पीने का पानी किल्लत पैदा हो जाएगी, क्योंकि पानी गंदा होगा तो साफ़ उसको करना बहुत मुश्किल होता है, कम हमारे पास साफ पानी कम आएगा और हमारे पास गंदा पानी आएगा तो हम वो पिएंगे तो वो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये वाटर पोल्यूशन के असरात थे। उसके बाद ज़मीनी आलूदगी, मतलब जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ ज़मीन का ख़राब हो जाना। ज़मीन कैसे ख़राब होगी, मतलब हम पन्नियाँ जो है वो सड़कों पर फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, पेड़ कट जाते हैं, तो उससे सब ज़मीनी आलूदगी होगी। और ज़मीनी आलूदगी के क्यों हो रही है, जो किसान खेती कर रहे हैं वो फर्टिलाइज़र केमिकल और कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब ज़मीन में जा रहा है, ठीक है जी। और कुछ पौधों की फसलात जिन्हें मिट्टी जज्ब नहीं करती, वो प्लास्टिक थैलिए वगैरह, ठीक है जी, ये सब हम क्या करते हैं, सब हम ज़मीन पर फेंक देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, इससे धूल उड़ती है, ये सब ज़मीनी आलूदगी है। तो अब इस ज़मीनी आलूदगी के क्या क्या असरात पड़ते हैं, भाई जब ज़मीनी आलूदगी होगी तो खेती के काबिल जो ज़मीन होगी वो कम हो जाएगी, और ग़िज़ाई जो ज़राए हैं जब खेती के काबिल ज़मीन कम होगी तो खेती कम होगी तो खाने पीने की किल्लत होगी, ज़्यादा हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हम नहीं उगा सकते। और जब ज़मीन गंदी होगी तो जाहिर सी बात है पानी भी गंदा होगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, केमिकल का यूज़ नहीं करना है जिससे हमारी ज़मीन गंदी ना हो, तो हमें ये सब चीज़ें करनी होगी। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बता देता हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, माशी सरगर्मी किसे कहते हैं। माशी सरगर्मी, गैर माशी सरगर्मी, कारोबार की तारीफ, कारोबार की खसूसियात, कारोबार के मकासिद, तीनों तरह की आलूदगी, कारोबार, पेशा, रोज़गार, इनमें फ़र्क और इनकी तारीफ, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कारोबार के माशी सरगर्मी किसे कहते हैं, गैर माशी सरगर्मी किसे कहते हैं, कारोबार की तारीफ, कारोबार की खसूसियात, कारोबार के मकासिद, और तीनों तरह की आलूदगियाँ, कारोबार, पेशा, रोज़गार की तारीफ और इनमें क्या फ़र्क, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं इस चैप्टर के। तो आप इनको करें और आपको इनमें से ही ज़रूर आपको मिलेंगे, ठीक है, सवाल पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे।
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हमारी क्लास, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और आकर अगर पास में रहते हैं तो आप आकर भी हमारे यहाँ क्लासेस ले सकते हैं। एडमिशन आपको NISU कराने हैं, एडमिशन भी कर देते हैं हम, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे तैयार बहुत ही मुनासिब कीमत पर। शुक्रिया।